ये मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है, बैग में भर भर के पैसे कैसे बना सकते हैं, ये मल्टी बैगर स्टॉक के इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हो। इस वीडियो में आप देखने वाले हो ये व्हाट इज मल्टी बैगर स्टॉक, ये मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है, हाउ टू एक्चुअली फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक, आपको कैसे मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने हैं, और तीसरा कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको ऐड करना है, कब आपको एग्जिट करना है। हाय, दिस इज श्रीहर्षा, आई एम अ मल्टी बैगर स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट। मैं आज आपको ये सारा चीजें वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको फर्स्ट टाइम में एक्चुअली वीडियो पूरी तरह से समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, वेन एवर यू वॉन्ट यू वॉच दिस अगेन, क्योंकि हर बार आप जब देखोगे यू विल फाइंड समथिंग कम्प्लीटली न्यू और बहुत कुछ आप सीख पाओगे। यहाँ पर मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल करने वाला हूँ, आई विल बी मेकिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो गो हेड एंड टेक सम नोट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज मल्टी बैगर। मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है, कोई भी स्टॉक है जो एटलीस्ट डबल रिटर्न दे दे। तो आपने एक्चुअली 100 रुपीज का एक्चुअली पूंजी लगाया था, 100 रुपीज का अपने स्टॉक का एक स्टॉक का वैल्यू 100 रुपीज है, और ये आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में ये डबल हो जाता है। दैट इज डबल, डबल से ज्यादा होगा। देखो डबल एक्चुअली मल्टी बैगर नहीं होता है, मिनिमम डबल से ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, तब हम एक्चुअली इसको मल्टी बैगर हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली दुगना नहीं है, उससे ज्यादा भी एक्चुअली पैसा दे चुका है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉक है जो आप एक्चुअली सोचते हो कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम क्या है, वापस उसी जगह पर आ जाती है। तो उस चीज को हम मल्टी बैगर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मल्टी बैगर इज मेनली ए इन्वेस्टमेंट। ए इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो कंपनी ग्रो करे, अब जब ग्रो करे इट हैज टू ग्रो इन मल्टी फोल्ड। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, ये देखिए ये इन्फोसिस का कहानी है, आप सबने सुना ही होगा। इन्फोसिस में एक्चुअली किसी ने 10,000 रुपए लगाया था, वो अभी करोड़पति है। क्यों करोड़पति है, क्योंकि वो एक गुना दुगुना नहीं है, 3,000 गुना हो चुका है। जो एक्चुअली इंसेप्शन का जो पैसा था उसके आप एक्चुअली कंपेयर करोगे तो ये एक्चुअली 3,000 गुना हो चुका है। दैट इज द रीजन व्हाई इंफोसिस इज इंफोसिस। अभी एक्चुअली आप इंफोसिस के हिसाब से एक्चुअली आपको देखना है तो ये ट्रूली एक मल्टी बैगर है। वैसे बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस भी ऑलमोस्ट 100 गुना बढ़ चुका है जब एक्चुअली ये शुरुआत हुआ था। तो आप देख सकते हो आपने एक्चुअली 100 रुपए लगाया है, 100 रुपए का 1,00,000 रुपए हो गया होता, इतना एक्चुअली ये बड़ा है। तो वैसे ही एक्चुअली इंफोसिस का एक्चुअली इतना ज्यादा क्यों बड़ा है, इसके लिए बहुत सारे कारण है। आज एक्चुअली पूरा इस डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट लेट मी एक्चुअली गिव यू व्हाट बेस्ट आई कैन एक्चुअली डू। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है जो अभी अभी रिसेंटली मल्टी बैगर्स बने हैं, जैसे कि एंजल वन है। एंजल वन का एक्चुअली इंसेप्शन के आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है, और एक्चुअली ये हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड भी एक्चुअली 4 गुना हो चुका है। ये सिर्फ 2-3 साल में इतना एक्चुअली बड़ा है। तो ये भी एक्चुअली अभी के लिए मल्टी बैगर ही माने जाएंगे, एंड दीज आर ऑल एक्चुअली व्हाट यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट एंड मेक मनी। आप एक्चुअली यहाँ पर खाली इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड अ मल्टी बैगर एंड स्टे इन्वेस्टेड इन अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट चीज है, हम एक्चुअली इसके लिए हमको बेस्ट उदाहरण आपको कुछ भी देना है तो हम एक्चुअली वारेन बफेट जी से एक्चुअली उदाहरण लेंगे। वो क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, तो वो खाली एक ही चीज बोलते हैं, आई नेवर इन्वेस्टेड इन एनीथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे अगर उस चीज में कोई समझ में नहीं आता है, कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो बिजनेस के तरफ से होता है। आप एक्चुअली ये मत मान के चलो कि ये स्टॉक है ये डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, आपको ये देखना है कि कौन से बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हो और वो बिजनेस का ग्रोथ क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो इसीलिए एक्चुअली वॉरेन बफेट जी का एक्चुअली क्या कहना है, वो कैसे एक्चुअली मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते हैं, वो एक्चुअली जनरल पब्लिक को कैसे ढूंढने के लिए बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। पहले एक्चुअली मैं आपको कुछ
उनके एक्चुअली एक बुक का एक्चुअली एक उदाहरण है, उसके हिसाब से मैंने आपको कुछ स्टेप्स बनाया है। व्हाट यू हैव टू डू इज आप जाकर अपने घर में कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आप हम एक्चुअली सुबह से रात तक एक्चुअली बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम एक्चुअली सुबह सुबह जाकर ब्रश करते हैं ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट। आप एक्चुअली कोई ना कोई टूथब्रश तो यूज ही कर रहे होंगे, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, उसके साथ साथ आप एक्चुअली नहाने जाते हो तो आपने एक्चुअली कोई ना कोई सोप तो यूज कर ही होगा, उसके साथ आप कोई एक्चुअली पाउडर भी यूज करते होंगे। आप चाहे तो आप अगर आप लड़की हो औरत हो तो आप एक्चुअली बहुत सारा मेकअप का पदार्थ भी यूज करते हो, तो वो सब एक्चुअली क्या है, हम रोजमर्रा में बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। आप एक्चुअली खाने की बात करेंगे तो बहुत सारा चीजें है, जैसे कि आटा है, सब्जी है, सब्जी को छोड़िए वहां पर अभी के लिए कुछ खास कंपनी नहीं है, बट एक्चुअली जो रोटी है फॉर एग्जाम्पल आटा है, वो सब के लिए अलग अलग कंपनीज है, प्रोडक्ट्स है। आप जाकर हर एक प्रोडक्ट का जो भी आप यूज करते हो पूरा का पूरा लिस्ट कर लीजिए। इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है हम क्यों ये बात कर रहे हैं, तो पहले ये सारा प्रोडक्ट का लिस्ट कर लीजिए। तो पहला काम ये है, आप एक्चुअली ये करने के बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी वो एक्चुअली जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो किस कंपनी का है वो आपको ढूंढना है। क्या होता है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप एक्चुअली एक एक्चुअली प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका सोप है, सोप एक्चुअली यूज करते हो, तो कौन सा सोप आप यूज करते हो, उस सोप कंपनी का क्या नाम है, या आप कोई आटा यूज करते हो तो उस कंपनी का क्या नाम है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आशीर्वाद का आटा। आशीर्वाद आटा कंपनी करके आप एक्चुअली ढूंढेंगे तो वहां पर क्या होगा, आशीर्वाद आप देखो ये कौन सा कंपनी का है, आईटीसी का है, यहाँ पर कहीं पर आपको दिखेगा, यहीं पर शायद आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये आईटीसी का ब्रांड है, ठीक है, यहाँ पर आप चले जाओगे तो आपको सारा प्रोडक्ट दिखेगा। आप चाहे तो ये सारा प्रोडक्ट है बट ये मेजर कंपनी का क्या नाम है, आईटीसी है, शायद आपको आईटीसी के बारे में पता होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, अलग अलग पदार्थ का आप एक्चुअली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा कंपनी है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो आप यूज करते हो, जैसे कि आपका कोई भी एक्चुअली घर में एक्चुअली आजकल तो हर एक घर में किसी ना किसी को तो शुगर हुआ होगा या बीपी हुआ होगा, ये तो कॉमन हो चुका है, तो हम एक्चुअली उसके लिए भी एक्चुअली कोई ना कोई दवा लेते हैं। और आप देखो ये कंपनी क्या करती है, आपको करना क्या होगा, ये कंपनी को ढूंढना है, और आप देखो आप खुद क्या कर रहे हो, ये आटा आप हर महीना बहुत खरीदते हो, और एक्चुअली ये क्या है, हम एक्चुअली ये एक बार खरीद लिया खत्म हो गया ऐसा नहीं है, वी आर यूजिंग इट मल्टीपल टाइम्स। तो व्हाट हैपेंस, आप खुद ही जाकर आप देख लो आपने कितना एक्चुअली पैसा उसी कंपनी को एक्चुअली दिया हुआ है अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आप देख सकते हो कि उसी कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट हम पर्सनली यूज कर रहे होंगे, हमको खुद ही पता नहीं होगा, तो आप एक्चुअली ये कर सकते हो। तो क्या है, ये करना क्यों है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हमको पर्सनली तसल्ली होना चाहिए, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी। तो वॉरेन बफेट जी का एक बहुत ही पावरफुल कहना है कि वो ये बात कहते हैं, ये देखिए वो बोलते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स डोंट इवन थिंक अबाउट इट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट भी उस स्टॉक में मत रहिए। क्योंकि उनका कहना यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में ही निवेश करना है, लॉन्ग टर्म में ही वहां पर पैसा बनता है, तो पर्सनली आप उसी कंपनी में लगाओ जो आप पर्सनली यूज करते हो, आपको कंपनी पता है, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको क्वालिटी का पता है, आपको उस कंपनी का कस्टमर सर्विस के बारे में पता है, आपको पता है कंपनी पहले कैसा था आज कैसा है, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा, आपको पर्सनली ये पता है कि ये कंपनी है और ये अगले आने वाले 10 साल तक एक्चुअली रहेगा।
तो और ग्रो करेगा। अगर आपको लगता है उसी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको खुद कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है। देखियो, आपको मल्टीपैगर स्टॉक चुनना है, आपको पता है मल्टीपैगर स्टॉक है, बट फिर भी आप निवेश नहीं करोगे, क्योंकि आप निवेश कर भी दोगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस है उस कंपनी में, उस प्रोडक्ट में, उस सर्विसेज में, तब एक्चुअली उस जगह पर आप टिक पाओगे। अगर वहां पर रह पाओगे तभी आप पैसा बना पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है, ये वारन बफेट जी का कहना है, ये एक्चुअली जो वो उन्होंने बोला है, मैं आपको वही बात यहाँ पर एक एक्सरसाइज की तरफ से मैं करवा रहा हूँ। तो सेकेंड काम ये हो गया। थर्ड आपको क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि ये प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको एक्चुअली कोई भी कंपनी का जाइए, आप एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल ITC का है देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू मनी कंट्रोल, और मनी कंट्रोल में चली जाइए और यहाँ पर ITC को ढूंढिए। ठीक है, ITC को ढूंढिए, यहाँ पर आपको ITC का स्टॉक मिल जाएगा। वहां पर आपको पूरा नीचे चले जाना है, यू नीड टू गो कम्प्लीटली ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पर एक्चुअली आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू मिल जाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये निवेश लायक है। आप देखो यहाँ पर ये रेवेन्यू क्या है, बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पर 48,000 करोड़ था, यहाँ पर 49,000 करोड़ है, 49,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, यहाँ पर 70,900 चेंज करोड़ है। तो ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है प्लस प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी पैरामीटर्स है जो आपको देखनी है, अभी के लिए मैं इतना सारा नहीं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट एक्चुअली कंपनी है, प्रॉफिट कर रहा है तो ठीक ठाक है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंपल चीजें हैं जो एक्चुअली आपको खुद समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। थर्ड चीज हो गया, ये चौथा चीज क्या है, आपको करना क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को एक्चुअली स्टॉक ट्रेडिंग आता है। आप बहुत लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद आपको स्टॉक को पता ही नहीं है कैसा है स्टॉक है, कैसे चार्ट को देखना है, क्या करना है। आपको खाली दो ही चीज करनी है, जब भी एक्चुअली ये स्टॉक कोई 5% 10% गिर जाता है, वहां पर जाकर आपको निवेश करना है। आपको एक्चुअली फिकर करने की जरूरत नहीं है, आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते जाइए, और क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट हो रहा है, आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कम प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। जब तक लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट में है, आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग एज लॉन्ग एज, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग, हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स। तो आपको खाली एक ही चीज पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई कोई भी डिप आता है, यहाँ पर आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा चीज, आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि हर महीना जैसे SIP करते हो, वैसे ही कोई भी प्राइस का फिक्र मत करो, कोई भी प्राइस हो हर महीना उस स्टॉक पर, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंट है और कंपनी का स्टॉक अच्छा कर रहा है। आप एक और चीज भी देख सकते हो कि डेट है कि नहीं है, डेट नहीं होना चाहिए या होगा तो कम होना चाहिए। जस्ट एज लॉन्ग एज द डेट इज लेस और निल, आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग यू नीड टू वरी। क्योंकि अगर स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है और उसमें कोई एक्चुअली कोई लोन नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो वो निवेश का लायक है, आप निवेश कर सकते हो। क्योंकि आपको खुद पर्सनली उसके स्टॉक के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू डू दिस। तो आपको खाली हर 3 महीने बाद एक बार देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या कर रहा है। देखो हो सकता है कि स्टॉक, आपको क्या करना है, ये स्टॉक को आप कोई इन्वेस्टिंग का ऐप हो या कोई भी ऐप हो, वहां पर पोर्टफोलियो में डाल के रख दीजिए। वहां पर जब भी एक्चुअली कोई बड़ा सा कुछ भी अपडेट्स आता है उस स्टॉक के बारे में, वो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। तो आप एक्चुअली वो काम कर सकते हो, तब एक्चुअली आपको पता चलेगा कब एक्चुअली कोई डिप आता है। और एक्चुअली कभी कभी मार्केट खुद ही गिर जाता है 2% 5%, उस समय पर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स भी एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्चुअली गिर जाते हैं, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हो। आपको लमसम निवेश करना है तो डिप पर इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक्चुअली हर महीना इन्वेस्ट करना है, SIP करना है, वो भी आप कर सकते हो। और पांचवा चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, कब एग्जिट करना है। देखो
अगर कोई फंडामेंटल ही कुछ चेंज हो जाता है तो आप ऑब्वियसली एक्चुअली आपको वहां पर जाकर मनी कंट्रोल में भी देख सकते हो कि बहुत सारे एक्चुअली एनालिस्ट है वो एक्चुअली उसके बारे में राय दे रहे होंगे। आप वो देख सकते हो कि वो क्या राय दे रहे हैं। अगर फंडामेंटली कुछ एक्चुअली चेंज हो जाता है कंपनी में तब आपको एक्चुअली वरी करना है, वरना कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। या 20% रूल को फॉलो करना है। 20% रूल का मतलब खाली इतना ही है, देखिए जो भी हाई है टोटल हाई है, फॉर एग्जाम्पल हाई ऑफ द स्टॉक इज से 500 रुपीज, 500 रुपए का स्टॉक है तो 400 रुपए तक आप तो फिकर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 20% ऑफ द फ्रॉम द टॉप, टॉप से 10-20% तक फिकर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक्चुअली वीकली आप एक्चुअली वीकली चार्ट को ही देखिए, बाकी एक्चुअली डेली वगैरह मत देखिए। एक हफ्ता एक्चुअली उससे नीचे भी चला जाता है, अगला हफ्ता फिर से ऊपर चला जाता है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअली ये 20% से ज्यादा नीचे है तो पॉसिबिलिटी है। ये जनरली कब होता है, जब एक्चुअली पूरा मार्केट ही गिर जाता है, जब रिलायंस भी गिर जाएगा, इंफोसिस भी गिर जाएगा, सारा एक्चुअली अच्छे अच्छे स्टॉक गिर जाते हैं, तब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक अकेला है एक्चुअली ऊपर रहेगा, ऐसा एक्चुअली हो नहीं सकता है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू ऑल्सो नो अबाउट दिस। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है कि आपको, अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल में पूरा पूरा कॉन्फिडेंट है, आपको उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम नीचे आता है तब भी एक्चुअली और ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पर्सनली उस कंपनी में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उस कंपनी का प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए, और यू शुड बी हैविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ दे आर डूइंग, कहाँ से बिजनेस आ रहा है। सो आपका फंडामेंटल लेवल क्लियर है तो वेर एवर द प्राइस विल कम डाउन ऑल्सो, वहां से एक्चुअली बाउंस बैक भी अच्छा दे देता है और वापस उसी लेवल पर बहुत जल्दी आ जाता है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू डू व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर बहुत सारा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई विल बी डूइंग इट इन द ऑन कमिंग वीडियोज। इफ यू आर लाइकिंग दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, और नीचे कमेंट में आपने कौन सा स्टॉक अभी एक्चुअली फंडामेंटली स्टडी किया है, कौन सा स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हो लिखिए, मैं पर्सनली उसको पढ़ूंगा और एक्चुअली जवाब भी दूंगा अगर वो ठीक है कि नहीं है। तो इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो मोर, आई एम कीपिंग अ लाइक टारगेट ऑफ 500। अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें और डिटेल में समझाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।